हमंगणी टू ऑल। ये आज का मेरा नया वीडियो है, एक आरिताई जरी और रेशमवर की पोशाक का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। ये आप देख लीजिए किस तरह हम लोग के ये अड्डे बने हुए होते हैं जिन पे हाथ का काम का प्रोसेस होता है। आप ये देख लीजिए इस तरह से, इस पर पहले ट्रेसिंग करके फिर इस पर हम लोग काम करते हैं। पहले इस पर ट्रेसिंग हो जाती है पूरे प्रोसेस पे, और आप देख लीजिए किस तरह से ये इन पे काम का प्रोसेस फिर होता है। और ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है, बनने में काफ़ी समय लगता है। हमें कम से कम, अभी ये पोशाक जो चल रही है ये बनने में कम से कम भी 4 दिन लगेंगे। दो बंदे जो काम कर रहे हैं ये दो से तीन दिन में, अगर डे नाइट करेंगे तो 2 से 3 दिन में करेंगे। अगर नॉर्मल 12 घंटे का काम करेंगे तो कम से कम इनको 4 दिन का टाइम लगेगा। ये देख लीजिए इसकी कुर्ती बन चुकी है, कितना खूबसूरत वर्क है। और अभी इसका ये लहंगा लगा हुआ है, 8 कली का लहंगा है इसका, ये पूरा अभी बना हुआ अड्डे पर लगा हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो आप देख लीजिए इसमें कितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसका अभी ओढ़नी और टाकेंगे जब एक बार ये लहंगा बनने के बाद में, फिर इसकी ओढ़नी लगाएंगे। और ये देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत, इसका कलर भी देख लीजिए, कलर कॉम्बिनेशन के साथ में इसका बूटियों का सिलेक्शन करना पड़ता है, रेशम का सिलेक्शन करना पड़ता है। पीच कलर में ये पोशाक है। तो अब मैं यहाँ कारीगर के यहाँ, हम डेली अपना अड्डे पे आके सुबह शाम काम चेक करना पड़ता है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेजरमेंट सही है कि नहीं है, तो वो चेक करते हैं। और इस दौरान हम लोग वीडियो भी बना लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि भाई क्या कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से इसमें काम होता है। अभी देख लीजिए, अब देख लीजिए नया बनाओ। ये देख लीजिए रेशम भर रहे हैं फ्लावर के अंदर, बूटी के अंदर। इतना सफाई के साथ में काम करना पड़ता है, ये आप देख लीजिए। हमें जब रेडी होकर पीस मिलता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता इसमें कितना एफर्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट और बहुत ज़्यादा इसमें ना सफाई के साथ कारीगरी का इसमें पूरा वर्कमैनशिप होता है। तो आप देख लीजिए एक फूल, एक बूटी बनने में कितना टाइम लग रहा है, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा और जल्दी कोशिश कर रहा है फटाफट भरने की, और नॉर्मल में और ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अभी देखना मैं आपको हाफ बनाने के बाद में इसको मैं फुल हुआ अभी, और चलने दीजिए आप तो कंप्लीट कीजिए। एक रेशम को भरने के लिए, एक फूल को, एक बूटी को भरने के लिए देख लीजिए आप, कम से कम भी 4 से 5 मिनट लगते हैं। ऐसी पता नहीं कितनी बूटियाँ एक सूट के अंदर होती है। तो कितना सफाई के साथ है, सबसे मेन जो आप इसको देखेंगे, अभी इसकी आउटिंग बनेगी ये फूल बनने के बाद में। जैसे इसके आउटिंग बन रही है, फ्लावर को भर दिया है बूटी को, इसकी आउटिंग बन रही है। ये बहुत ही ट्रेंड कारीगर हैं जो रात दिन ये बनाते हैं जब ये इस स्पीड में काम कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर नया बंदा काम करेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग का प्रोसेस है। और आप देख लीजिए एक तो इसकी आउटिंग बना के, अब जाके ये एक बूटी कंप्लीट हुई। ऐसी इसमें काफ़ी सारी बूटियाँ बनेगी पोशाक के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है मेहनत, और बहुत ज़्यादा ये टैलेंटेड कारीगर होते हैं जो इन्होंने कई साल का, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है इस बंदे को जो इसको अभी काम कर रहे हैं। ये बस मैं बीच बीच में ये वीडियो डालता रहता हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को बताना है कि हम लोगों का काम का क्या प्रोसेस होता है, पोशाक कैसे बनती है, जिससे आपको भी पता रहे कि इनमें कितनी मेहनत और कितनी कारीगरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। ये जब पोशाक एक बार कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इसका भी एक वीडियो और डालूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि ये अभी किस स्टेज पर कैसा लग रहा है, और जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तब इसका लुक क्या आएगा। ऐसे आप देख भी सकते हैं, आप कुर्ती कम्प्लीट हो चुकी है इसकी,
थोड़ा, बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है।